हेलो नमस्कार जहन, हम लोग बात करने वाले हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने लेने से किसी राज्य को कितना क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इंडिया के सरकार में शामिल होने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा ऑफर किया गया है। और कब से बिहार, नीतीश कुमार वाला बिहार भी कब से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, इन दोनों को विशेष राज्य का दर्जा देने के विषय में चर्चाएं चल रही है। अब नीतीश कुमार भी मांगने लगे विशेष राज्य का दर्जा। तो विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है इसके संबंध में पूरी वीडियो में, तो विशेष राज्य का दर्जा के संबंध में इस वीडियो में आपको समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। देखिए चर्चा में क्यों आया है, चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू को विशेष राज्य का दर्जा ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि कभी से आंध्र प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा की डिमांड कर रहा था, जो कि उसे नहीं मिल रहा था, सरकार में रहते हुए भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए अब इंडिया सरकार विशेष राज्य का दर्जा ऑफर कर रही है और नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर कर रही है। आगे क्या होता है देखते हैं। आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जिसके प्रमुख नेता के तौर पर हैं चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू को इंडिया सरकार बनवाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए ऑफर किए जाने की चर्चा चल रही है। ये आपके पास आंध्र प्रदेश। बिहार भी कब से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, वहीं नीतीश कुमार वाला बिहार, पलटू चचा वाला बिहार, तो कब से बिहार भी विशेष राज्य का दर्जा की डिमांड कर रहा था, तो बिहार का भी अब समय आ गया है कि ये भी बिहार विशेष राज्य का दर्जा इन्हें भी दे दिया जाए। उड़ीसा के नवीन पटनायक ये भी कब से डिमांड कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए, उड़ीसा के लिए विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि इंडिया गठबंधन में पहले से हैं ये, तो इनमें कोई समस्या है नहीं। विशेष श्रेणी का दर्जा क्या होता है, विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, किसे कहते हैं, किसे विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामरिक आर्थिक नुकसान, भौगोलिक और सामरिक आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं, उनका आर्थिक नुकसान भौगोलिक दृष्टि से हो रहा हो, यानी कि उनके क्षेत्र में ज़्यादा पहाड़ी एरिया हो, तो पहाड़ी एरिया में कुछ तो होगा नहीं, तो एक प्रकार से भौगोलिक आर्थिक नुकसान हो गया। सामरिक आर्थिक नुकसान यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा तो वहाँ सेनाएं रहेंगी और कुछ क्षेत्रों पर प्रतिबंध होगा, सेनाएं होंगी तो उन आसपास के कुछ क्षेत्रों पर प्रतिबंध होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास तो उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध होगा, तो इस प्रकार से भी आर्थिक नुकसान होगा, सामरिक दृष्टि से भी आर्थिक नुकसान होगा। तो ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया जाता है। संविधान में एक कहीं भी उल्लेख नहीं है इसका, विशेष राज्य के संबंध में संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था और समिति के तहत इसका दर्जा दिया जाता है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। 1969 में 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया था, जो पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर ये है, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग है, पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही में था, ये जम्मू कश्मीर है, इधर से ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, इधर यहाँ पर इतना अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है तो सामरिक आर्थिक नुकसान होगा। यहाँ अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय पठारी प्रकार के क्षेत्र हैं, और जब पर्वतीय क्षेत्र हैं तो भौगोलिक आर्थिक नुकसान होगा, तो ये भी इस क्षेत्र में रीजन में आ जाएगा। ये असम है, असम है यहाँ से थोड़ी सी बांग्लादेश के साथ, इधर भूटान के साथ, तो बांग्लादेश और भूटान के साथ असम की सीमा लगती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनके पास आ जाएगा, यानी कि सामरिक आर्थिक नुकसान वाला कंप्लीट हो जाएगा कंडीशन। इनके पास भी पहाड़ी क्षेत्र है, असम के पास भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो भौगोलिक आर्थिक नुकसान की भी कंडीशन आ जाएगी। ये नागालैंड है, इधर से म्यांमार के साथ सीमा बनाता है नागालैंड, तो सामरिक नुकसान वाला जो है कि सामरिक आर्थिक नुकसान वाला कंडीशन इसे फुलफिल हो जाएगा। नागालैंड में ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इधर है, इधर सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं तो नागालैंड पहाड़ी क्षेत्र भी हो जाएगा, तो दोनों मिल जाएगी इसको। इस आधार पर इन तीनों को, जम्मू कश्मीर असम और नागालैंड को 1969 में पहली बार जब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोलें तो विशेष राज्य का दर्जा के लिए प्रावधान क्या क्या होगी, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो समिति का गठन किया गया था उस समिति को बोलते हैं गाडगिल समिति। तो गाडगिल समिति की सिफारिशों पर ही इसका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो गाडगिल समिति ने
क्या कंडीशन निर्धारित किया था कि विशेष राज्य का दर्जा किन्हें दिया जाएगा? पहली बात कि उनके पास पहाड़ी क्षेत्र हो, पहाड़ी इलाका उनके पास हो, तो भी उनका विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो पहाड़ी इलाका होना जरूरी है, जैसे कि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड तीनों में पहाड़ी एरिया है। कम जनसंख्या घनत्व हो अथवा या और जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम हो अथवा जनजातियों की संख्या वहाँ पर हो। तीसरा कंडीशन है कि पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति हो, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हो और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना का महत्व हो, सेना रहती हो अथवा सशस्त्र बल रहते हो, सेना न रहती हो तो सशस्त्र बल अथवा सेना वहाँ रहती हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हो वहाँ पर। आर्थिक और आधारभूत संरचना का पिछड़ापन हो, आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ापन, यानी कि साधारण लैंग्वेज में कहें तो एक गरीब राज्य हो। राज्य के वित्त की अव्यवहार प्रकृति हो, वित्त की अव्यवहार प्रकृति यानी कि पैसे रुपए की अव्यवहारिक प्रकृति से, यानी कि कुल मिला के पिछड़ेपन प्रकार के हों। तो मुख्य रूप से हम देखें इसमें से, हालांकि कंडीशन कई आते हैं लेकिन मुख्य रूप से साधारण लैंग्वेज में देखें तो मुख्य रूप से तीन चीज़ें क्या आ जाएगी। पहला, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, दूसरा उसके पास पहाड़ी एरिया भी हो, और तीसरा वो गरीब क्षेत्र हो, वो आर्थिक पिछड़ेपन हो अर्थात गरीब राज्य हो। तो ये तीन मुख्य कंडीशन हो, बाकी ये कंडीशन ये गाडगिल समिति की सलाह पर, गाडगिल समिति के कंडीशन है। ये बिहार है, अगर बिहार के, अगर नीतीश कुमार वाला बिहार के बारे में देखें, नीतीश कुमार वाला बिहार, तो ये नीतीश कुमार वाला बिहार है। और नीतीश कुमार के बिहार को क्या कंडीशन मिल पाती है? यहाँ नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सामरिक महत्व की तो बात है, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बिहार में कुछ पहाड़ियाँ भी है, बिहार में पहाड़ियाँ भी हैं, तो दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया, और बिहार एक गरीब राज्य भी है तो तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अब दिया जा रहा है कि दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो सरकार पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। विशेष श्रेणी के दर्जे के लाभ क्या होते हैं, इसके क्या लाभ होंगे? अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा मिल जाता है और विशेष राज्य का दर्जा उसे प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या इससे होगा? देखिए, अन्य राज्यों के मामले में 60% या 70% की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक निधि का 90% विशेष राज्य के भुगतान हो गया है। जैसे अगर कोई केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना, उसमें सामान्य राज्य जो होते हैं उनको 60% या 75% देना पड़ता है। अगर कोई सामान्य राज्य है तो उनको, उनके लिए 60% या 70% तक का प्रावधान करती है केंद्र सरकार, लेकिन अगर कोई विशेष श्रेणी का राज्य है तो उनके लिए 90% का प्रावधान करती है। यानी कि अगर 100 रुपया मिलता है तो 90 रुपये खा जाएंगे और केवल 10 रुपया ही देंगे, वापस 10 रुपया ही करेंगे, 90 रुपये खा जाएंगे। लेकिन सामान्य राज्य होंगे तो क्या होंगे, कम 60 रुपये खा सकते, 40 रुपया देना पड़ेगा। तो विशेष राज्य को ज़्यादा बेनिफिट हो गया, विशेष राज्य को। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क, यानी कि किसी चीज़ का उत्पाद करते हैं तो उत्पाद शुल्क में बहुत ज़्यादा छूट देनी पड़ती है, छूट दी जाती है। सीमा शुल्क में भी छूट दी जाती है, आयकर में यानी कि इनकम टैक्स में भी छूट दी जाती है, और निगम कर में भी छूट दी जाती है। इन बहुत, ये सब महत्वपूर्ण कर हैं और उन सभी महत्वपूर्ण करों में विशेष छूट का प्रावधान है। इन जो विशेष राज्य होते हैं उन्हें विशेष छूट दी जाती है। तो यहाँ से दूसरा फायदा यहाँ से भी हो गया। तीसरा फायदा कि सकल बजट का, केंद्र के कुल सकल बजट का 30% विशेष राज्यों को प्रदान किया जाता है। जितना बजट होता है केंद्र का, जो सकल बजट होती है उसका 30% जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 30% रिजर्व कर दिया जाता है और उन पर खर्च किया जाता है, बाकी 70% अन्य राज्यों पर खर्च किया जाता है। तो यहाँ भी बहुत बेनिफिट होगा। तो विशेष राज्य का दर्जा जिन्हें प्राप्त हो जाता है उनको काफ़ी फायदा होता है, पैसा खूब केंद्र से मिलता है और खूब गजागज खाते हैं, पैसा मिलता है खूब खाते हैं और देते कुछ नहीं है। अगर 100 रुपये मिलता है तो 90 रुपये खा जाते हैं, केवल 10 रुपये ही वापस करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। फिर विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में चिंताएं क्या क्या है? देखिए, जो दर्जा प्राप्त करने वाला है यानी कि जिस राज्य को दर्जा मिलने वाला है उसे तो कोई चिंता नहीं, उसे तो और मजा है, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो उसे तो मजा है, उसे कोई चिंता नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को चिंता इसलिए है कि बहुत ज़्यादा छूट देनी पड़ती है। अभी हम लोगों ने देखा निगम कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बहुत सारी चीज़ों में छूट देनी पड़ रही है। अच्छा, छूट देनी पड़ रही है तो केंद्र पर दबाव पड़ेगा, केंद्र पर वित्तीय दबाव पड़ेगा। 30% रिजर्व करना पड़ता है विशेष राज्यों के लिए तो केंद्र पर दबाव पड़ेगा। 90% जो है कि उनके केंद्र प्रायोजित योजना में 90% केंद्र को ही भरना पड़ जाता है। तो इसलिए कि यह केंद्रीय वित्त पर दबाव में वृद्धि करता है,
या कि केंद्र सरकार के वित्त पर दबाव डालता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि विशेष फायदा होता है और इस फायदे को देखते हुए अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो दूसरे राज्य भी ऐसा डिमांड करने लगते हैं, वो भी सोचने लगते हैं कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए ताकि हम भी मौज में खाएँ और चुकाएँ कुछ नहीं तो हम भी मौज में खाएँ, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अन्य राज्य भी डिमांड करने लग जाते हैं तो दूसरे राज्य भी ऐसा मांग करने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश ऐसा मांग कर रहा है विशेष राज्य का दर्जा की, ओडिशा मांग कर रहा है विशेष राज्य का दर्जा की, बिहार मांग कर रहा है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो ओडिशा तो इंडिया सरकार में है, इंडिया गठबंधन में है, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार ये दोनों एनडीए सरकार में हैं इस समय, तो इसलिए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा का प्रदान किए जाने के संबंध में काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि अगर चंद्रबाबू नायडू एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करा दिया जाएगा और उन्हें एक अच्छा मंत्रालय भी दिया जाएगा, इससे बहुत बेनिफिट होगा आंध्र प्रदेश को। तो हमारे नज़रों में तो आंध्र प्रदेश को, हमारे नज़रों में तो चंद्रबाबू नायडू को इंडिया में आ जाना चाहिए, बाकी आप अपने विचार रखें, हम किसी प्रकार के पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं बात कर रहे हैं, हम आंध्र प्रदेश की दृष्टि से बात करें या आंध्र प्रदेश के अच्छा लिए अच्छा होगा विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो बिहार को भी दिया जा सकता है, तो पलटू चचा को भी एक बार और पलट लेना चाहिए और एक बार और पलट करके फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए ताकि इन्हें उप प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए, एक अच्छा मंत्रालय मिल जाए और विशेष राज्य का दर्जा इन्हें भी मिल जाए। बाकी ओडिशा तो खुद पहले से एनडीए गठबंधन में है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों को ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं क्या इन्हें विशेष राज्य के लिए। तो देखिए पहले आंध्र प्रदेश, तो देखिए ये है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के पास पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं यानी कि पहाड़ी एरिया है। इनके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जली सीमा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं कह सकते हैं, तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब सामरिक महत्व होना चाहिए, सामरिक महत्व, क्योंकि संविधान में तो लिखा नहीं है, यह तो गाडगिल समिति की बात है, तो गाडगिल समिति ने सामरिक महत्व निर्धारित किया, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी सामरिक महत्व होता है और जली सीमाओं पर भी, क्योंकि यहाँ भी नेवी रहती है, तटरक्षक बल रहते हैं, तो सामरिक महत्व यहाँ भी हो गया, तो सामरिक महत्व भी ठीक ठाक है, सामरिक महत्व भी है। पहाड़ी एरिया कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, पहाड़ी एरिया भी है और पिछड़ापन कोई खास है नहीं, ले तो ये कंडीशन ठीक ठाक है, अगर चाहे तो दर्जा दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये बिहार है, बिहार के बारे में अभी हमने बताया कि इधर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो सामरिक महत्व है, पहाड़ी एरिया भी है बिहार में तो वो भी कंडीशन है, और पिछड़ापन तो बिहार है ही तो इसको भी दिया जा सकता है। ओडिशा, ये है ओडिशा, ये ओडिशा है, ओडिशा के पास वही है जो आंध्र प्रदेश के पास है, वही चीज़ ओडिशा के पास है, तो इन्हें भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब किसको किसको दिया जाता है ये तो वक्त बताएगा, हमारा मानना तो ये है, आपका मानना क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे, लेकिन हमारा तो मानना ये है कि पलटू चाचा को एक बार और पलट दे जाना चाहिए और एक बार पलट करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए था पलटू चाचा को। पलटू चाचा एक बार और पलट जाओ ना, पलटू चाचा एक बार और पलट जाओ, आपको हम प्रधानमंत्री बनवा देंगे, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनवाएंगे, 1 किलो गांजा भी चढ़ा देंगे पलटू चाचा, पलटू ना एक बार पलटो, पलटू चाचा एक बार आप भी रिक्वेस्ट करिए कि पलटू चाचा एक बार पलटें, हम लोग मिल करके मोबाइल फ़ोन बेचकर पलटू चाचा को गांजा चढ़ा देंगे एक बार पलट आइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से मिलती है। धन्यवाद।